नहीं नहीं उसको फीका लगेगा क्योंकि मैंने इतना पीछा नहीं डाला इसमें नहीं लगेगा सुना क्या नहीं फीका लगेगा नहीं चलेगी आमना सही अच्छा है ना यू लाइक इट उसको समझ नहीं आ रहा हां आमना ने इब्ने इशा की तरह हां जी वा थम्स अप हो गया जी शुक्र है चले जी जबरदस्त चले जी आमना ने थैंक यू सो मच नाजिया अजी उम्मी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक इसको मैं साइड में कर देती हूं बिल्कुल जी मैं साइड पे कर देती हूं और मुझे उम्मी आप ये बताएं कि आज तिब्बे नबी में हम क्या करें आज हम बात कर रहे हैं जौ की बार्ले जौ बार्ले अच्छा जौ को जाहिर से सत्तू उसका मिल रहा होता है अगर इसका हदीस का मफहूम देखा जाए तो जब कोई बीमार हुआ करता तो कहा करते थे कि इसको जौ का मतलब तलबीना उसको दिया जाए तलबीना जो है जौ और दूध मिला के पकाते जौ का दलिया कहते हैं उसके ऊपर अगर वो शहद डाल देते हैं तो वो और ताकतवर हो जाता है मैंने जैसे आप सुना कि उसमें तलबीना में खजूर भी डालती है दिलों को जो कम है ना उसको कम करते हैं तो वो खजूरों के साथ मैश तरीका जो हदीस में जो उसका तरीका मिलता है तलबीना बनाने का वो ये मिलता है कि आप जो जौ है जौ का दलिया उसको आप दूध में पकने रख दीजिए जब वो अच्छी तरह से पक जाए मिक्स हो जाए तो उसके अंदर शहद मिला दें या खजूर मिला दें मैंने रखा था दूध निकाल अच्छा, के चले कोई बात नहीं तो उसमें जो है आप उसमें जो है शहद मिला दें और खजूर मिला दें और उसका मकसद क्या है कि ये दिलों से गम को धो देता है और बीमारी को इस तरह से आपसे दूर कर दिलों से गम को धो देता है और बीमारी को इस तरह दूर करता है पेट की सारी गलाजतें दूर करता है जैसे कि तुम अपने चेहरों को पानी से धो के साफ करते हो तो ये जौ का इस्तेमाल जो कोई बीमार होता था या भूख की कमी का शिकायत कर भूख की कमी की शिकायत करता था तो पहले बीमार के लिए जौ का दलिया खाने का तलबीना खाने का कहा करते थे और जो भूख की कमी की शिकायत करता था उसको कहा करते थे कि जौ का पानी पका के पीना जौ का जो पानी जी बोले मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे टेस्ट बड्स बन गए और ये जो चस्का हम कहते हैं उसकी वजह से हम इतनी जो कमाल की चीजें उनसे दूर हो गए ये रीजन है बिल्कुल ये रीजन है छोटी सी चीज बताऊंगी कि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है कि हम सिर्फ उसको बस जौ का सत्तू है पानी में डाल पी लिया तो बच्चे तो पीते ही नहीं है कि इसका क्या होगा दलिया सिंपल बनाया आपको पता है जब जौ का दलिया जब तिब्बे नबी में मौजूद है इसका मतलब कोई दूसरी शक की गुंजाइश नहीं है सही जौ का दलिया अल्सर का बेहतरीन इलाज है सिर्फ आपने 3 महीने तक नाश्ते में जौ का दलिया बनाना है जब दलिया पक के तैयार मीठा या नमकीन आपकी चॉइस है उस पर आपने जैतून का तेल डाल के ये पीना है और दिन में एक दफा मतलब पूरे दिन के अंदर जो जौ का पानी पीना है तो एक छोटी सी चीज बताऊंगी कि जौ का जो हम शरबत बनाते हैं सत्तू बनाते हैं उसका आप जौ यूं समझने शेक बन जाता है। ओ अच्छा सत्तू कितने मजे। याद है एक जमाने में आबे जौ एक ड्रिंक भी आया था मॉल्ट 79 के नाम से आबे जौ मॉल्ट तो अभी भी बड़ी पुरानी बचपन की बात है हमारे नहीं वो बिकता है जैसे अब ये हम दूध में हमने सिर्फ जौ का सत्तू डाला उसमें आपने मिठास के लिए आपने शुगर ऐड किया शहद ऐड किया बर्फ के साथ उसको ब्लेंड कर तासीर बहुत ठंडी होती है इतना कोई मजे का बनता है तासीर ठंडी होती है कि बच्चे जब मैं बना के दिया करती थी तो जो बच्चे स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चे आते थे जो उनके फ्रेंड्स आते थे वो कहते थे कोई ड्रिंक नहीं चाहिए सिर्फ ये चाहिए तो ये बच्चों को इतना अच्छा लगता है आप बच्चों का टेस्ट डेवलप करें तो इसको जरूर बना के भी एक छोटी चीज शेयर करना चाहूंगी कि 21 के अंदर मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि मुझे डॉक्टर मतलब मैं चल नहीं सकती थी मैं लिटरली जमीन पे घसीटती थी मैं खड़ी भी नहीं हो सकता अल्लाह अकबर और छोटे छोटे बच्चे थे तो डॉक्टर के तो देखा जाएगा अब कुछ इलाज नहीं है इसका तो हमारे जब हम जिक्र करते थे तो उन्होंने कहा कि जौ का दलिया शुरू करो जौ शुरू करो और शहद और अल्लाह के हुक्म से 1 महीने में जौ का सत्तू पीती थी और शहद का इस्तेमाल खुला करती थी 1 महीने में मैं अपने पैरों पे खड़ी थी मैं चल नहीं सकती थी कि मैं बिल्कुल रेंगती थी अल्लाह एंड यू आर ओनली 21 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम नहीं 2021 में अच्छा अभी ये ओके तकरीबन 24-25 साल पहले ओह माय गॉड ये तो बीमार होगी ठीक है तो उसमें ये कि आप जो है आपको जो है ना ये अल्लाह ने इसमें इतनी तासीर रखी फुल ऑफ फाइबर अच्छा पानी पकाने का तरीका लोगों को समझ में नहीं आता आपने एक हिस्सा जौ लिया है उसमें 5 हिस्से पानी के डालने इस कुटी भी जी जी साबुत नहीं कुटी भी ज्यादा अच्छी होती उसको इतना पकाएं कि वो दूधिया हो जाए मिल्की हो जाए जी जी उसके बाद उसको निकाल लीजिए और देन उसमें 6 या 7 वो पानी आपने दिन भर में कंज्यूम करना है वो फुल ऑफ फाइबर है आपका वेट कंट्रोल करता है आपके अल्सर को दूर करता है आपकी हड्डियों को मजबूत करता है भूख को ख़त्म करता है और जो उसके अलावा जो दूसरे जैसे ना दिल की बीमारी है कोई और कमजोरी है खासकर जो बीमारी से उठते हैं उनको फौरी तौर पर एनर्जी देता है ओ अच्छा और जब भी आपने तलबीना के वाले से बात की तो मुझे याद आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी गए उनकी वालदा की डेथ हो गई थी तो वो अपनी वालदा को याद करके बहुत रोते थे
और वो बहुत गमगीन हो गए थे। तो वो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने फिर उनको ताकीद की तलबीना खाना, जैसे भी अभी कहा जैसे गम को दूर करता है। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि अगर आप ये, और आपके घर में भी कोई मरीज हो तो उसको ठीक है, खजूर कभी मना भी कर देते हैं। लेकिन जो हजरत आयशा की बात है, जबकि हजरत आयशा की से रवायत है कि जब हमारे घर में कोई मरीज होता तो हम तलबीना चढ़ा दिया करते थे, या तो वो शिफायाब होता या वो फौत हो जाता। देखें मतलब उसमें अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है कि जब तक वो शिफायाब होता उसका मफहूम ये या वो फौत हो जाए, तो उस वक्त तक आपने मरीज को देना, उसकी बीमारी भी दूर होगी जो अल्लाह ने लिखा उसके हिस्से में, लेकिन उसको एनर्जी मिलती रहेगी और वीकनेस नहीं होगी। चलिए थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर उमा हमारे साथ मौजूद थी, और आज जौ के दलिया, भाई जौ के दलिया वैसे बच्चों को जरूर देना चाहिए। हम सिर्फ जौ के दलिया तब खाते हैं जब बीमार हों, ये अमूमन ऐसे ही है। तो अपनी इसको डाइट का पार्ट बनाया, और जौ तो वैसे भी, जौ की रोटी तो हजरत अली जो वो खाते थे, यखनी के साथ लोग बना लेते हैं, वो सारा हो जाता है सिलसिला चिकन के साथ।